कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा हुआ है खत्मे नबूवत। वैसे एक लफ्ज़ छोटा सा पीछे तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत हो जाता तो बात ज़रा समझ आ जाती थी। जैसे इस वक्त हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसलिए तहफ़्फ़ुज़ खत्मे, सारे बोलो यार, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे थोड़ी सी देर बात करनी है लेकिन आप थोड़ा सा बोलते रहे मेरे साथ। इस वक्त हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने मसला करना है, सुनना है, सीखना है, तैयार है। मसला सीखना है थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़-ए-ख़त्मे, बोलो सारे तहफ़्फ़ुज़-ए-ख़त्मे नबुव्वत। ख़त्मे नबुव्वत तो रहमत-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो चुकी है। अब हमने ख़त्मे नबुव्वत नहीं करना, हमने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात को सीखना है और ये करनी है हमने, इंशाअल्लाह आगे पहुंचाना इस मसले को। खत्मे नबुव्वत का मसला जो है ये शरीयत के बुनियादी मसाइल में से है, बुनियादी अकायद में से है। एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद, सबसे बुनियादी अकीदा, और दूसरा है रहमत-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी खत्मे नबुव्वत का यकीन। ये दीन का दूसरा सबसे अहम अकीदा है। जिस आदमी का ये अकीदा नहीं है, तौहीद को मानता हो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत का अकीदा नहीं है उसका कि हुजूर पे नबुव्वत और रिसालत खत्म हो चुकी है, वो शख्स मुसलमान है। वो तो डरने वाली बात नहीं, इसको तो अब हम आईनी तौर पे हमारे यहाँ ये आज इस आपने नवंबर की तारीख 9 रखी है, रखी हुई 8 ये इसलिए रखी है सितंबर के इस महीने में कि आज 7 सितंबर 1974 को ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किया था कि जो बंदा अल्लाह के नबी की खत्मे नबुव्वत का यकीन नहीं रखता वो मुसलमान है। वो तो सारे मुसलमान नहीं है। मसले को बयान करने के कई अंदाज है, इसके कई जाविये हैं कलाम के, इस पे मुख्तलिफ तरह से बात की जा सकती है। मैंने सिर्फ इस हवाले से बात करनी है, थोड़ी सी जरा समझ आ रही है आपको या समझा दूं मैं थोड़ी सी बात कि ये एक नया नबी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये शख्स इसलिए नहीं उठा था कि लोग इसके बहुत तकीद हो जाएं, ये इसलिए नहीं उठा था कि ये इल्हामात की कसरत लोगों को सुनाए कि मेरे ऊपर इतने इल्हाम होते हैं। ये शख्स इसलिए नहीं उठा था कि ये लोगों को अपनी करामतें दिखा के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे। तवज्जो मेरी तरफ करना, ये काम तो पंजाब के सूफी उन दिनों में कि जिन दिनों में इसने नबूवत का दावा किया, पंजाब के पीर, पंजाब के सूफी कसरत के साथ आवाम को शोभते दिखा के अपनी करामतों का नाम ले लेके लोगों को अपनी दरगाहों के, अपनी खानकाहों के, अपने आस्थानों के मुतअक्किद कर रहे थे। और हमारा ये इलाका जो है जिसे हम पंजाब कहते हैं, पंजाब में सारा कुछ था ही आस्थाने। यहाँ मस्जिदें मशहूर नहीं थी, यहाँ मदारिस मशहूर नहीं थे। यहाँ मशहूर क्या था? जलालपुर शरीफ, कौनसा शरीफ, बागपतन शरीफ, फलाना शरीफ, फलाना शरीफ, यानी जहाँ कहीं कोई सूफी बैठा था या सूफी नुमा कोई बंदा बैठा था या किसी सूफी बुजुर्ग सच्चे की कब्र थी, उस पे आस्थाने बना के लोगों को अपनी करामतें दिखा दिखा के पंजाब के लोगों को अपना मुतअक्किद बनाया हुआ था। ये शख्स इसलिए नहीं आया था कि लोगों को अपना मुतअक्किद बना दे। नऊजुबिल्ला। मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं उठा कि लोगों को ये अपनी पीढ़ी मुरीदे दिखाए, इसने बड़े तरीके के साथ लोगों के ज़हनों को इस तरफ लेके गया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था इस्लाम की बुनियाद को काटना। इसका मकसद क्या था जी? इस्लाम की बुनियाद को मुनहदिम करना, ये हमें जड़ से काटना चाहता था। और इसने ये काम किया, इसने इस्लाम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो चीज रखती है जिसे जिहाद कहते हैं, अंग्रेजों के कहने पे अंग्रेजों पर यह खूब काटता पोता था। सियालकोट की कचहरी में मुंशी था, वहाँ के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकात करके उसको इंटरव्यू दिया। इस अकेले ने नहीं दिया, चार लोगों ने इंटरव्यू दिया था उसको। किसी एक को इनमें से नबी बना के मुतय्यन करके खड़ा करना था अंग्रेज ने। उनमें से ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पास हुआ था। इसके जिम्मे ये काम लगाया गया था कि तूने लोगों को जिहाद से मुतनफर करना है। तूने क्या करना है? लोगों को बोलो जिहाद से मुतनफर करना है। इसलिए इसने बड़ा खुल के कहा। ये अजीब नबी था कि जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बदाम में उनकी तारीफ के अंदर और उनको अल्लाह की हुकूमत साबित करने के लिए किताबों की अलमारियां भर दी, लिखने के किताबें। इसके अजीब नबी था इसने अंग्रेजों को हमारे सर पर चढ़ाने की कोशिश की। ये अजीब नबी था जिसने ये कहा कि इस गासिब हुकूमत के खिलाफ जिहाद करने की जरूरत इस मकसद को दिया है। लेकिन ये हमारा बुनियादी अकीदा है। और बड़े मजे की बात है, किसी आजाद रियासत में, इस्लामी आजाद इस्लामी रियासत में 1400 सालों में किसी शख्स ने इतनी जुर्रत के साथ नबूवत का दावा नहीं किया जितनी जुर्रत के साथ मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा। क्योंकि हम आजाद नहीं। और इसको इलाका ये मिला पंजाब का। यकीन करें, मुझे दोस्त कह रहा था, कहता ये इस इलाके में था, बच गया। ये फितना इसलिए भी बढ़ गया, तवज्जो मेरी तरफ करें, फितना इसलिए भी बढ़ गया इसका कि ये कभी मौत मर गया। ये क्या हो गया? अपनी मौत तभी मौत मरा, कत्ल नहीं हुआ। इस वजह से भी ये फितना बढ़ गया। वरना ये होता ना कहीं दूसरे इलाकों में, हिंदुस्तान के ऐसे इलाकों में जहाँ दीन का जोर था, यकीन करें ये 2-4 दिन में इसको काम तमाम किया जाता है, इसका मामला खत्म होता है। ये यहाँ पे था, सूफियों के इलाके में, आस्थानों के इलाकों में, यहाँ ये पीरी मुरीदी के इलाके में था। इसलिए इसको थोड़ा जोर मिलता चला गया और ये उठता चला गया और ये तभी मौत मर गया। अब इस मसले के लिए एक तो मैंने ये बात अर्ज करनी थी कि आप ये समझिए कि ये खड़ा क्यों हुआ है, इसके आने का मकसद क्या था। इसने अपना नया दीन बना के लेकिन अपने आप को अक़लियत नहीं कहलवाता। इससे पहले जितने लोग नबी बने उन लोगों ने अपना एक दीन पेश किया, अपने आप को इस्लाम से खारिज करके पेश किया। इसने बड़ी ज्यादती ये कि इसने अपने आप को मुसलमान ही कहा। इसका मकसद ये था कि जितने मुसलमान हैं मैं उन सब के सब मुसलमानों के अकायद को खराब कर सकता हूं। ये हमारी बुनियाद को मुनहदिम करने की कोशिश में था। तवज्जो फरमाएं जरा, एक तो कुरान मजीद के हवाले से मैं जरा इसलिए ये बातें कर ईसा में फिर आपको कहते कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखें, अल्लाह हमारे नबी के बाद किसी और शख्स को नबूवत बोलो सारे नबूवत नहीं देंगे। हज़रत ईसा को जो नबूवत मिली है वो नबी पाक से पहले, वो हुजूर से पहले मिली है। आपके बाद किसी को अल्लाह नबी नहीं बनाएंगे। कुरान ने कह दिया नबी वो भी हैं लेकिन नबियों के साथ एक नबी की जरूरत है। नहीं काम तब्दील कर दिया, आने वाले नबी की बशारतों को तब्दील कर दिया। उस नबी के साथ लोग काम करते रहे, रसूल काम करते रहे, लेकिन फिर जमाना गुजरा, फिर अल्लाह ने और रसूल भेज दिया। रसूलों के बाद रसूल आते रहे, नबियों के बाद नबी आते रहे। वो नबी दलीलें थे, वो नबी हुज्जतें थे, वो नबी सुल्तान थे, वो नबी आयतें थे। लेकिन अब वो नबी आया, किस नबी के बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं है, किस दलील के बाद किसी और दलील की जरूरत नहीं है, किसकी शरीयत के बाद किसी और की शरीयत की जरूरत नहीं है, किसकी किताब के बाद किसी और की किताब की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे रब ने ऐलान करके कह दिया, पर मैं हमने किताब दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। पहले इसलिए जरूरतें पड़ती थी, लोग किताब तब्दील कर देते थे, लेकिन मेरा नबी घबराना नहीं है, हमने आपको जो किताब दी है इसकी हिफाजत भी हम आप ही करेंगे। मौलवियों के जिम्मे नहीं रखी जाती, दलाइल आते रहे, आयतें आती रही, सुल्तान नबी आते रहे, हुज्जतें आती रही, लेकिन एक नबी आया जो कुरान नबी है। कुरान के बाद किसी और दलील की जरूरत बाकी नहीं। एक दूसरे इसको रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, वरना मुझे दूसरे नबियों पर अल्लाह ने 6 चीज़ों के साथ फौकियत अता फरमाई। 6 चीज़ें मुझे ऐसी अता की गई हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे नबियों को नहीं अता फरमाई। उनमें से एक चीज़ रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बयान फरमाया, और मैं ऊती तू भी जवामिल कलिम, तवज्जो मेरी तरफ फरमाए, ऊती तू भी जवामिल कलिम, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवामिल कलिम बना के भेजा है। अब ये किसको कहते हैं? जवामिल कलिम किसको कहते हैं? जवामिल कलिम इसको कहा जाता है कि कलमा एक हो और उस कलमे के माने जो हैं वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो। बात एक हो लेकिन उसके माने क्या हो जी, बहुत ज्यादा हो। इमामुल बियान ने फरमाया मुतीबु बि जवामिल कलिम, एक खासियत अल्लाह ने मुझे ये अता फरमाई कि मुझे अल्लाह ने जवामिल कलिम बनाया। मेरे एक एक जुमले से आने वाले लोग अपनी अपनी अकल, अपने अपने इल्म, अपनी अपनी मार्फत, अपने अपने इज्तिहाद, अपने अपने इस्तिंबात के मुताबिक मेरे अल्लाह के नबी का एक कलमा है इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये एक हदीस ऐसी ज़बरदस्त है कि जो हदीस इंसान की ज़िंदगी के हर काम के साथ होती है और उसके इंसान के हर काम को या नेकी बना देती है या बदी बना देती है। फरमाया मुसीरतु बिर्रूबी मसीरत शहरिन, रब्बुल इज्जत ने मुझे दूसरी खुसूसियत की अता फरमाई है कि मुझे अल्लाह ने 1 महीने की मुसाफत तक दुश्मन पे रोब अता फरमाया। मैं जहाँ पे होता हूँ मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ 1-1 महीने की मुसाफत तक जो दुश्मन है उनके दिलों में रब ने मेरा रोब डाला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबूक तशरीफ ले गए थे जिहाद करने के लिए। अल्लाह के नबी जब वहाँ पहुँचे, 1 महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर है, 1 महीना। रूम की इतनी बड़ी सल्तनत थी लेकिन रूमियों को अल्लाह के रसूल के मुकाबले में आने की जुर्रत। वैसे भी वेरकल जो उनका बादशाह था वो अहले किताब का आलिम भी था, उसे पता था ये अल्लाह का नबी है, इसके मुकाबले में जाना अपनी मौत को दांव। रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरसिलतु इला काफ़तिन नास बशीरन व नज़ीरा, मुझसे पहले नबी कबाइल की तरफ आते रहे, कौमों की तरफ आते रहे, इलाकों की तरफ आते रहे। मुझसे पहले नबियों के लिए एक खास जमाना होता था कि इतने जमाने का नबी है। मुझसे पहले नबियों के लिए एक खास कौम होती थी कि इस कौम का नबी है। वो जो यहूदी है ना, वो अब भी गैर बनी इसराइली को यहूदियत की दावत नहीं देते। यहूदी बहुत कम है, बहुत कम तबलीग करते हैं अपने, बाहर से बंदा लेते ही बहुत कम है। बनी इसराइल की तरफ वो बनी इसराइल के नबी, कोई किसी खास इलाके का नबी, कोई किसी खास जमाने का नबी, लेकिन हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने दूसरे नबियों से ये खुसूसियत और फौकियत अता फरमाई है, मुझे रब्बुल इज्जत ने तमाम के तमाम क़यामत तक आने वाले इंसानों की तरफ मुझे तमाम जमानों के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम इलाकों के लिए, तमाम कबीलों के लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबी बना के भेजा। कुरान ने कहा हुआ अल्लाजी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और ऐसे दीन के साथ कि जो दीन हक है, या इसका माना करें जो दीन गालिब आने वाला है, लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही, ताकि अल्लाह इसे तमाम अदयान पे, कायनात में जितने भी दीन चल रहे थे कि आए इस्लाम को, उनके अल्लाह अपने नबी के जरिए से गालिब। आगे फिर मिसदाक है इसका कि कौन लोग करेंगे, लेकिन मैं इख्तिसार करता हूँ। एक दो बातें मैंने थोड़ी सी और करनी है। एक तो मैंने इब्तिदा में आपको एक बात बताई है, एक बात और जरा सुनो। मेरे जरिए अगर कहीं थोड़ा बहुत खराबी करने लगे ना, तो मिर्ज़ियों से कहें कि वो कहना जी कुछ बात करें, तो मिर्ज़ियों के लिए सबसे आसान जो बात है ना, हमारे लिए, आपके लिए भी, एक आम सा बंदा भी उनसे बात कर सकता है। आप उनसे कहें कि आए, आप उसको जो भी मानते हैं, मसीह मऊद कह लो, जो भी कह लो, नबी, अव्वल तो नबी का शुक्र कहेंगे नहीं इतनी जल्दी, लेकिन बड़ा पक्का होगा जो कहेगा मैं उसको नबी मानता हूँ। जो उसे कहना, उसे कहें कि आए, फिर हम ना अपने अपने नबी की सीरत पे बात करें। जिसको मैं नबी मानता हूँ मैं उसकी सीरत पे बात करता हूँ, जिसको तुम मानते हो तुम उसकी सीरत पे क्या करते हो। आगे बढ़ी, एक पूरा मैदान है इस सिलसिले में कि उस सीरत पे बात की है। एक दो तीन बातें तारीखी मैं आपको बताता हूँ। झांग के प्रोफेसर थे रहमत अली साहब, वो कहते हैं मुझे पुरानी बात है, मुझे उस वक़्त वो इनका जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था ज़फ़रुल्लाह खान कादियानी, उसमें साथ वाला कर दिया, वो जिंदा था और वो उस वक़्त आलमी अदालत का जज बन चुका था। कहते हैं मुझे रबे में तालीमुल इस्लाम कॉलेज में एफ ए के इम्तहानात के लिए सुप्रीडेंट बना के भेज दिया। वो मैं वहाँ इम्तहान ले रहा था, तो इनकी ये आदत थी कि जो भी मुसलमान इस तरह पढ़ा लिखा आता ना, उसको अपने बड़ों से वहाँ भिजवाते चढ़ते ताकि जरा मरबूब हो जाए, हो सकता है फंस जाए माती लालच दुनियावी मफादात के, औरतों के इस किस्म के मफादात दे के लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते। उसने ये किया कि ज़फ़रुल्लाह खान आया तो उसने आके प्रोफेसर साहब से कहा प्रोफेसर साहब कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। प्रोफेसर साहब कहते हैं मैंने कहा तवज्जो करो मेरी तरफ। प्रोफेसर साहब कहते हैं मैंने कहा कि मुझे ईमान का तो खतरा कोई नहीं, जान का खतरा है। मुझे ईमान का खतरा वो तो नहीं है, मुझे किस चीज़ का खतरा है? जान का खतरा है। कहता क्या हो गया है प्रोफेसर साहब, आपको किसी ने कोई धमकी दी है, कोई बच्चा नकल के लिए दबाव डाल रहा है आप पे? कहते नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। असल में मुझे ये है कि मुझे दस्त शरीफ लाके जहाँ का पानी रास नहीं आया, और मुझे क्या लाके हैं? दस्त शरीफ। तो फुल्ला खान कहता समझ नहीं है। उसने कहा हजरत चूँकि दस्त वो बीमारी है जो आपके नज़दीक पैगम्बरी बीमारी है, आपके नबी को ये लगी थी और वो लाहौर में अपने एक मेज़बान के यहाँ उसके बैतुलखला में मर गया था, तो इसलिए मैंने ज़रा डरते डरते कहा दस्त शरीफ कहीं पैगम्बरी बीमारी की मुस्ताकी रूप से। इसी ज़फ़रुल्लाह खान का एक और वाक़या कहते हैं, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट गुजरे कुदरतुल्लाह शहाब साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी है शहाबनामा। वो कहते हैं इंग्लिस्तान में थे हम, तो वहाँ खाने की मेज़ पे होटल में बैठे थे, मेरी बीवी भी साथ थी, ये ज़फ़रुल्लाह खान भी था। तो मेरी बीवी ना गोश्त ना खाए, खाना खाने में हिचकिचाहट होकर सब्जी शब्जी, इसने कहा खा लो। बीवी ने कहा पता नहीं क्या चीज़ होती। तो ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि पैगम्बर ने फरमाया है कि चीज़ों के अंदर जब तक कोई यकीन ना आ जाए तो चीज़ें अपनी असल में हिल्लत में होती हैं। जब तक एक हुकूमत का कोई यकीन ना आ जाए कि आम चीज़ है इसके अंदर। तो कहते हैं कुदरतुल्लाह शाह कहता है मेरी बीवी ने कहा अब पता नहीं आपके पैगम्बर ने फरमाया या मेरे पैगम्बर ने फरमाया, अगर तो मेरे पैगम्बर ने फरमाया फिर तो सारा कुछ, और अगर आपके पैगम्बर ने फरमाया फिर मैं तो नहीं खा सकती, फिर आप ही खाएंगे। इनसे सबसे आसान बात जो है ना वो आप सीरत पे कर सकते हैं। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जितने नबी गुजरे हैं उनकी सीरतें, उनका किरदार बड़ा आला था। इसकी सीरत वही में भी ये कहता था, वही में भी गालियां बांट देता था, इसकी किताबों में लिखी हुई है। और ये कहता था अल्लाह ये कहते हैं, एक दो लफ्ज़ तो इसके आम थे, एक ये कहता था ज़ुर्रियतुल बगाया, ज़ानिया औरतों की औलाद, एक ये लफ्ज़ कहता था हरामज़ादा। ये दो लफ्ज़ ये नबी होने के बावजूद इसकी जुबान पे आम थे। और इस लफ्ज़ पे इसकी महबूब साहब फरमाते हैं जब सेशन चल रहा था पार्लियामेंट में तो मिर्जा ताहिर बड़े कपड़े शपड़े बड़ी टोपी अपना तुर्रे वाली पगड़ी और बड़ा मुतशर्रे बन के आया। हम परेशान थे कि पार्लियामेंट में लोग जो हैं ये इससे मुतासर हो रहे हैं, दुनियादार लोग तो नहीं जब और बड़ी बातें। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो पूरा दुरूद शरीफ पढ़े, तो बात उसकी मुकम्मल होगी। लोग बड़े मुतासर थे। सब कहते हैं मैंने उसे जरा शुरू की तो मैंने उसे कहा कि मिर्जा ने ये भी बातें करते करते कहते जहाँ पार्लियामेंट के मेंबरों के कान फटके ना वहाँ ये बात हुई। उसने कहा नहीं मैंने ये भी कहा, मैंने कहा कि उसने ये लिखा है अपनी किताबों में कि जो मुझे नहीं मानते वो ज़ुर्रियतुल बगाया है, जो मुझे नबी नहीं मानते वो सब के सब हरामजादे यानी ज़ानिया औरतों की क्या है औलाद है। अब कहते हैं पार्लियामेंट के लोगों के कान खड़े हुए थे, हमें क्या कह रहे हैं। उसने कहा जी बगाया का माना बदलने की कोशिश की, फिर उसने कहा काफिर है। मिर्ज़ा ताहिर ने कहा यह कुफर छोटा कुफर। हज़रत फरमाते फिर उसने आगे लिखा जहन्नमी है। कहते अल्लाह ने फिर बात बना दी। अब आखिर में मुझे पर्ची दे दिया साहब ने, वक्त खत्म हो गया था। तो आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि आज खत्म नबूवत के मसले को मैंने पहले भी इब्तिदा में कह दिया कि मेरी जमात बगैर किसी तारीख को और दिन को मुकर्रर किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुतबा पूरा साल खत्म नबूवत पे बात करते रहते हैं। लेकिन बड़े ही अजीब एक बात है कि जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं ना खत्म नबूवत की, जो लोग सुनते रहते हैं कॉन्फ्रेंसें जिनका शौक शौक है वो जानते होंगे, ऐसे में ये होता है कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसों में बरेलवियों को भी बुलाया जाता है, अहले हदीस उलमा को भी, हत्ता के कुछ तो शीयों को भी दावत देते हैं। और कॉन्फ्रेंस में बरमला कहते हैं नहीं, बरेलवियों ने भी साथ दिया, शीयों ने भी दिया, अहले हदीसों ने भी दिया, फुला ने भी दिया। पूरी कॉन्फ्रेंस में तस्करा नहीं करते तो सिर्फ नहीं करते तो जमीयत की शहादत होगी तो सुन्नत का नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहता हूँ, इसको आप इत्तेफाक कह लें, अल्लाह की मेहरबानी कह लें। जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में कादियानियों को काफिर करार देने की करारदाद जिस जलसे में पेश की गई वो जलसा तालीमुल कुरान राजा बाजार हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि के मदरसे, और जिस वक्त असम्बली में लोग बैठे थे उलमा बहस करने के लिए मिर्ज़ा ताहिर से, और असम्बली में बात चल रही थी उस वक्त तरीन जगह, उस वक्त सारे बड़े बड़े उलमा जो हैं कि पता नहीं फैसला हुकूमत क्या करती है, उम्मीद नहीं कि हुकूमत नहीं मानेगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी होगी उस वक्त भी पीछे जो मोर्चा था वो हजरत का मदरसा तालीमुल कुरान था, जो कि जमीयत की शहादत तो सुन्नत का मदरसा है। उस इजलास के उस 3 रोज़ा सेशन के भी मेज़बान शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, यानी जब करारदाद पेश की गई जमीयत शाद के मदरसे से और जब ऐलान किया गया पहले दिन कि पार्लियामेंट ने काफिर करार दिया है, तो जो सबसे पहले जिस जलसे में ऐलान हुआ था वो जलसा भी कहाँ पे था जी, जमीयत शाद को। लेकिन आज हमारे अकाबिरीन का नाम ही है, बरेलवियों को कहते हैं उन्होंने साथ दिया, कुरान ने भी साथ दिया, में से मीठे जो इस्लामाबाद के लिए काम होता था उस सब के मेजबान कौन थे? हजरत मौलाना शाह-उल-कुरान गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला मेरे नौजवानों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आपको